PSL 9 में टॉप 13 बॉलर्स जो मैं लेकर आ चुका हूं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि विकेट निकालने वाले हैं इस साल। ये जो 13 बॉलर मैं आपको बताऊंगा, ये अगली टीम को कहीं पर भी जो है वो हिला कर रख सकते हैं और अपनी टीम को फाइनल तक लेकर जा सकते हैं और फाइनल भी जितवा सकते हैं। अगर ये 13 बॉलर कुछ नहीं कर पाते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, तो भाई साहब अगली टीम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहने वाला है। अगर ये 13 बॉलर फ्लॉप रहते हैं पूरा टूर्नामेंट के अंदर, तो भाई कहीं ना कहीं पर बैटिंग लाइनअप ऐसी रहेगी कि 250-300 से कम का टारगेट नहीं देखने को मिलेगा PSL के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब जो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जो आप सब ऑल पे करना चाहेगा, नहीं तमाम PSL रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो आप तक घर बैठे पहुँचते रहें। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए टॉप लिस्ट के अंदर, तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास नाम आता है नसीम शाह का इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस बार जो वो खेलते वो नज़र आने वाले, काफ़ी मोटी रकम दी गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नसीम शाह को, जो कि 4.5 करोड़ से जो वो ऊपर जा पहुँची है। इस्लामाबाद यूनाइटेड से नसीम शाह खेलेंगे और बड़े बड़े लेजेंडरी खिलाड़ी कह रहे हैं कि नसीम शाह जो है वो कहीं ना कहीं पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेन बॉलर रहने वाले हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर टॉप विकेट टेकर भी बन सकते हैं नसीम शाह। दूसरे नंबर की बात करें तो हमारे पास में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं, कैप्टन है लाहौर कलंदर के। पिछले 2 एडिशन जो है वो लाहौर कलंदर को जितवा चुके हैं और तीसरा एडिशन भी लाहौर कलंदर जीतने के लिए तैयार है कि भाई हम जीतेंगे। इनका कॉन्फिडेंस लेवल 100 से ऊपर चला गया जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं शाहीन शाह अगर विकेट नहीं निकालते हैं तो भाई लाहौर कलंदर जो है वो डाउन हो सकती है। जिस तरीके की फील्ड वर्क शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस है, खास तौर पर टेस्ट सीरीज़ हमने देखी कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रही। अगर ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हुए विकेट नहीं निकाल पाते हैं तो भाई साहब लाहौर कलंदर बाहर हो जाएगी। अगर ये विकेट निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं टॉप विकेट टेकर भी टूर्नामेंट के रह सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हसन अली को मैंने रखा है, कराची किंग से खेलेंगे। कराची किंग का ये मेन बॉलर रहने वाला है, अगर ये विकेट नहीं निकाल के देता कराची किंग को तो भाई साहब कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है और ये टॉप विकेट टेकर भी इस टूर्नामेंट में रह सकता है हसन अली। इसके अलावा चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर मैंने जमान खान को रखा है। जमान खान लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं, पिछले 2 ऑडिशन खेलते हुए आ रहे हैं और दोनों ऑडिशन जो वो जितवा कर ही आ रहा है जमान खान, तो कहीं ना कहीं जमान खान भी टॉप विकेट टेकर जो वो रह सकते हैं इस PSL के अंदर। इसके अलावा पांचवें पर हारिस रऊफ, ये भी लाहौर कलंदर से खेलते हैं, इनकी का जो है वो तेज़ रफ्तार बॉल डालते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई साहब अगली टीम को ये 10 से 15 मिनट के अंदर भाई क्लीन वॉश कर सकते हैं जमान और हारिस रऊफ, तो कहीं ना कहीं पर ये भी टॉप विकेट टेकर रह सकता है हारिस रऊफ। इसके अलावा भाई साहब छठे नंबर पर मैंने मीर हमज़ा को रखा है, कराची किंग से खेलेंगे। एडवाइस कराची किंग का मेन फास्ट बॉलर जो है वो मीर हमज़ा रहने वाला है और फिल वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरीके की विकेट निकाल रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसको छठे नंबर पर तभी रखा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके की ये विकेटें निकाल के आ रहा है भाई साहब, तो मैं समझता हूँ कि PSL 9 के अंदर भी ये जो है वो टॉप विकेट टेकर कहीं ना कहीं पर रह सकता है। इसके अलावा सातवें पर मैंने ihsanullah को रखा है, मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए आ रहे हैं। पिछले सीज़न में बड़ी जो है वो कामयाब बॉलिंग की दुनिया जो है वो मिसालें दे रही थी ihsanullah की स्पीड की, कि भाई कहाँ से जो है वो ये लड़का बॉल उठा रहा है और काफ़ी विकटें भी निकाली ihsanullah ने, काफ़ी जो है वो निफिसन बॉलिंग की, तो इस साल भी कहीं ना कहीं ihsanullah जो है वो टॉप विकेट टेकर बन सकते हैं टॉप 10 के अंदर। इसके अलावा भाई साहब आठवें पर मैंने रखा है आमिर जमाल भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पिशावर जलमी की तरफ से ही खेलते हुए नजर आएंगे और इनका मेन की रोल बॉलिंग का आमिर जमाल जो है वो इनको निकाल के देंगे। इसके अलावा खुरम शहजाद भी इनके साथ होंगे, लेकिन मैंने टॉप के अंदर आमिर जमाल को यहाँ पर रख दिया। आमिर जमाल एडवाइस भाई साहब टॉप विकेट टेकर बन सकते हैं पिशावर जलमी की तरफ से। इसके अलावा नौवें पर भाई साहब मैंने रखा है आप सबके फेवरेट और हमारे फेवरेट मोहम्मद आमिर को, मैंने यहाँ पर रखा है भाई साहब मोहम्मद आमिर। इस दफा कराची किंग ने नहीं बल्कि आपको जो वो कोयटा ग्लेडिएटर में खेलते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं पर भाई साहब ये जो बॉलिंग कराते हैं वो सबसे हटकर कराते हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी साइड में रख दो, नसीम भी साइड में रख दो, आमिर को आप टॉप पर ले आओ। आमिर जैसी बॉलिंग ना कोई करा सकता है ना कि आमिर के लिए भाई साहब नीचे लाइक कर दें। आमिर भी भाई साहब टॉप विकेट टेकर इस टूर्नामेंट के अंदर रह सकते हैं और अगर आमिर पहले ओवर में आकर 2-3 विकेटें निकाल दे तो भाई अगली टीम जो है वो 70 से 80 रन पर भी आउट हो सकती है। आमिर का ये भरम जो है वो PSL में रहता है। इसके अलावा भाई सब दसवें नंबर और मैंने फिर से लुंगी नगेड़ी को यहाँ पर रखा है पिशावर जलमी की तरफ से खेलेंगे। लुंगी नगेड़ी वर्ल्ड कप के अंदर बड़ी जो वो कामयाब बॉलिंग कराई लुंगी नगेड़ी ने, तो कहीं ना कहीं पर लुंगी नगेड़ी की रोल अदा करने वाले हैं पिशावर की तरफ से। अगर ये विकेटें निकाल देते हैं भाई साहब पिशावर जलमी के मज़े लग जाएंगे, मेन बॉलर बन जाएंगे और विकेट टॉप 10 विकेट टेकर के अंदर लुंगी नगेड़ी भी आ सकते हैं। इसके अलावा अब्बास अफरीदी पिछले साल मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे, बड़ी निफिसन जो बॉलिंग की थी अब्बास अफरीदी ने और इस साल भी उम्मीद रहेगी मुल्तान सुल्तान की तरफ से कि अब्बास अफरीदी ने जो पिछले साल शुरुआती मुकाबलों में विकेटें निकाल के दी थी, जो इसकी स्विंग और पेस थी बाहर की तरफ बॉल डरा था अंदर जा रही थी, तो ये भी कहीं ना कहीं
टॉप विकेट टेकर अपनी तरफ से अपनी टीम की तरफ से रह सकते हैं और टॉप 10 के अंदर ये आ भी सकते हैं। इसके अलावा 12 पर मैंने रखा है डेविड विले को, भाई साहब डेविड विले मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलेंगे, इंग्लैंड के लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, ये भी टॉप विकेट टेकर टॉप 10 के अंदर कहीं ना कहीं पर रह सकते हैं, ये भी अपना की रोल जो है मुल्तान की तरफ से मेन अदा करने वाले हैं। इसके अलावा 13वें नंबर पर भाई साहब मैंने मोहम्मद हसनैन को रखा है, ये क्वेटा ग्लेडिएटर से रहे, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद हसनैन का भी विकेट निकालना जरूरी है मोहम्मद आमिर के साथ। ये 13 खिलाड़ी भाई साहब टॉप जो है वो रह सकते हैं, इन 13 में से कोई 10 भी टॉप एज अ टॉप टूर्नामेंट के अंदर आ सकते हैं और कैप भी जो है वो थाम सकते हैं, यानी कि जो आपकी और कैप मिलती है जो बॉलर्स को मिलती है, ग्रीन बैटर्स को मिलती है, इसके अलावा आपकी पिंक कैप जो है वो बॉलर्स को मिलती है, तो इनमें से किसी को कैप भी मिल सकती है ऊपर, और भाई साहब बाकी टॉप 9 भी इनमें से कोई ना कोई रह सकते हैं, तो ये बॉलर भाई साहब मेन रहने वाले हैं। इसके अलावा वो बेस्ट शाबी है, स्टेन शाबी हैं और भी काफ़ी बॉलर हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं रखा, लेकिन जो की रोल अदा करेंगे अपनी टीम से ये वो बॉलर हैं और टॉप 10 आ सकते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। और कमेंट सेक्शन में आपने अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो लाजमी बताना, अपनी शेयरिंग भी कर दी करो जैसे आप हर वीडियो में जो है वो करते हो, PSL की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आप प्यार दे रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइबर 22 के होने में सिर्फ 6 सब्सक्राइबर रह चुके हैं और अगली वीडियो इंशाल्लाह 22 के सब्सक्राइबर पर लेके आऊँगा।